ये अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं बन गया मेरा सफूफ तो बना लेते हैं हम लोग सफूफम फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक से दुआ के पाक आप सबको खैर वफ़ीत से रखे तो जनाब आज में हाजिर होगी एक नई व्लॉग के साथ तो मैं आज बनाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं सर्दियों में भी खा सकती हैं गर्मियों में भी खा सकती हैं लेकिन यह कि अभी सर्दियों में ज़रा कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है हर चीज़ का तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि ये मैं रेमेडी बना रही हूँ कि आपकी आंखें आंखों के लिए भी बहुत अच्छी हैं आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं और आपके जो है ना दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं ये जो है ना हमारे दिमाग को शार्प करता है और बालों को गिरने से बचाता है और हमारे बालों को वाइट होने से बचाता है और हाँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी है ये आपको इतना मजबूत बना देगा तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहमानी लेते हैं एक कप चने एक कप बादाम तीन से चार टेबल स्पून मैं ले रही हूँ सौंफ और ये ये वाइट पेपर है ये मैंने पीस के अपने पास रखा हुआ था ये किशमश है तो आपको जो भी मिलती है ये या देसी जो भी है वो भी ले लें कोई मसला नहीं और ये है मिश्री ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हैं अब ये इनको हम लोग शुरू करते हैं तो मैं अभी आगे बताती हूँ कि ये कैसे अब हमने इसको इनको बनाना है तो इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें पसंद करें ये स्टार्ट करते हैं और ये मैं आपको बताऊँ ये है वाइट पेपर जो कहीं से भी आपको किसी भी शॉप से मिल सकता है ये बहुत अच्छा होता है नज़र के लिए बहुत ही अच्छी होती है और जो ये है मिश्री ये हमारी रेमेडी को बहुत मज़ेदार बनाएगा और ये भी बहुत अच्छी होती है ठीक है चलें जी आप शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चने और ये बादाम और ये सौंफ और ये मैं एक टीस्पून डालूंगी ये देखिए भर के डाल दिया यहाँ पे ठीक है अब इन सारी चीज़ों को मैं ज़रा सा फ्राई फ्राई करूँगी ठीक है ताकि थोड़ा सा ये मज़ेदार हो जाए और पीसने में भी आसानी हो जाए इसको आगे पीसती हूँ फिर हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर पीसते हैं और बाकी मेरी वीडियो को स्किप ना करना आगे मैं बताऊँगी कि ये हम लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है और किस टाइम इस्तेमाल करना है तो ये मैं आपको बताती हूँ अच्छा ये हल्की आँच भी आपने भूनना है ठीक है दो से तीन मिनट भूनना है बस ज़्यादा नहीं ठीक है ना अगर आपको लगेगा ये जलने लगे तो आपने पैन को उठा लेना ठीक है ना तो ये थोड़ा सा हम लोग भून रहे हैं तो ये भूनते हैं ये देखें जी अब ये भुन चुका है अब इसको मैं इस प्लेट में डालती हूँ और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है ठीक है और इसका थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ना इसको आ, इसको सफूप सा बना लेंगे पीस लेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छा मिश्री मोटी मोटी चीज मैंने थोड़े सा जो है ना अपने वो लंगरी के अंदर मैंने थोड़ा सा पीस लिया था थोड़ा सा कूट लिया फिर हम लोग जो है ना इसको डालेंगे बाद में अच्छा ये अब हो गया थोड़ा बहुत ठंडा और है क्योंकि ये अब इसमें अंदर गर्मी है थोड़ा सा ये ना ठंडी हो जाए क्रिस्पी हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको पीसूँगी तो बहुत आसानी से पीस जाएगा तो अभी और ये किशमिश है ठीक है अच्छा आपने एक ले लेना ब्लेंडर जग और इसमें ये सब डालने मैं इसमें सब डालती हूँ तो फिर उसके अंदर और भी बाकी चीज़ें डलेंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ ये हमने डाल दिया और अब इसमें जाएगी मिश्री और अब इसमें जाएगी किशमिश किशमिश मैंने पहले नहीं डाली थी क्योंकि फ्राई हो आप होता है ना इसको फ्राई करो तो वो जीप सा हो जाते हैं तो किशमिश अब डाल रहे हैं ये किशमिश ये आपके बालों के लिए और आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है बहुत नज़र को शार्प करती है और ये बालों को बहुत अच्छा करती है गिरने से बचाते हैं तो ये हो गया अब ये इसको हम लोग ना लो सफूफ बना लेंगे फिर आप सेफ़ कैसे करना है वो मैं आपको हूँ आप बना लेते हैं हम लोग सफूफ इस तरह मैं बन पन गया मेरा सफूफ देख लें आप अब इसको सेफ़ कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ आप ये देखें कितना अच्छा पिस गया है कैसे अच्छा हो गया तो अब इसको सेव कैसे करना है अगर आपके पास शीशे का कोई कंटेनर है फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो प्लास्टिक के किसी डिब्बे में या कंटेनर में भी डाल सकते हैं लेकिन यह है कि शीशे वाले में डालें ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है तो अब मेरे पास जो है शीशे वाला अभी मैंने धो के रखा हुआ वो अभी सही तरीके से ड्राई नहीं हुआ धो के सही तरीके से ड्राई करना बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए तो फिर उसमें डाल के एक महीने के लिए ये जो है ना आप सेव कर सकते हैं अच्छा इसको खाने का तरीका ये है कि आपने सुबह शाम बड़े बड़ों के लिए जो हैं वो दो चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले लें ले या पानी के साथ ले लें दूध तो तो बहुत, 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 बहुत बेहतर है अगर पानी है तो कोई भी मसला नहीं है कुछ मसला नहीं है लेकिन दूध के साथ लेने ले ले ज़्यादा अच्छी बात है और छोटे बच्चों को दे दी एक एक चम्मच जैसे कि दस से बारह साल तेरह साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है एक चम्मच वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून दे दें उनको और बाकी जो है ना बड़े बच्चे हैं तो उनको टू टेबल स्पून दे दें तो बस ये है ये रेमेडी है अभी मैं इसको सेव कर बताती हूँ आपको ये मैंने कंटेनर में डाल दिया तो ये देखिए बहुत मजे का है और ये बस आप ये भी बनाएं आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं बहुत अच्छी चीज़ है बहुत आप अपने लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके बालों के लिए अच्छी है आपकी नज़र के लिए अच्छी है आजकल के बच्चे जो है टेबलेट यूज़ करते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहतर रेमेडी है क्योंकि ये अब अब वक्त की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चे ना तो टैबलेट के बगैर रहते हैं ना मोबाइलों के बगैर तो बड़े भी जो हैं वो लैपटॉप्स पे काम करते हैं तो इस वजह से ये ज़रूरत है ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है बहुत महंगी चीज़ें नहीं पड़ी इसलिए आप ये बना के अपने घर में ज़रूर रखें जैसे हम लोग और चीज़ें खाते हैं कहते हैं कि ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है तो ये और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी हाँ आई होप आप लोगों को पसंद आए पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़